हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाया जाता है। इस साल 14 फरवरी को वसंत पंचमी है। धार्मिक मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस शुभ दिन पर माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि विवेक और गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बार कई शुभ संयोगों में वसंत पंचमी मनाई जाएगी। ज्योतिष की माने तो 32 साल बाद वसंत पंचमी पर ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो बुद्धि के साथ साथ धन का लाभ भी कराने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो 32 साल बाद इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, रेवती नक्षत्र और अश्विन नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है। वसंत पंचमी पर बनने जा रहे ये सभी योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और लकी माने जा रहे हैं। इस दिन माँ के प्रसन्न होने से विद्या का वरदान तो मिलेगा ही, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी बरसने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वसंत पंचमी पर किन राशियों को मिलने वाला है डबल लाभ। पहली राशि मेष की बात करें तो वसंत पंचमी के दिन से इस राशि के जातकों की तरक्की के जबरदस्त योग बन रहे हैं। शिक्षा से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छात्रों के लिए ये समय अच्छा माना जा रहा है। करियर में अपार सफलता मिलेगी। कारोबार में फायदा होगा। आय के कई स्रोतों से धन लाभ होगा। मेहनत का फल मिलेगा। काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी और माँ सरस्वती की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वसंत पंचमी से मिथुन राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा। इस राशि के जातक की वाणी से लोग आकर्षित होंगे। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होगी। वसंत पंचमी के शुभ योगों से वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ होगा। कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। दफ्तर में काम की प्रशंसा होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। सभी विवादों से सावधान रहें। इस समय व्यापार करना किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। आखिरी राशि मीन पर भी वसंत पंचमी के योग का शुभ असर पड़ने वाला है। मीन राशि वालों को अच्छी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी कारोबार में तरक्की होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वसंत पंचमी पर नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी 32 साल बाद वसंत पंचमी पर बन रहे ये शुभ योग इन राशि के जातकों के दिन बदलने वाले हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना से विद्या की देवी संग धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल न्यूज़ नेशन स्तुति।